वेलकम टू माई टेक चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में, जो कि एक हाउसिंग लोन कंपनी है। और इसका जानेंगे नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा, नेक्स्ट लेवल क्या रहेगा, और आज कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, Q3 रिजल्ट क्या आया है, सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा। और इसका देखते हैं, इसका डिविडेंड दे रहा है कि नहीं दे रहा कंपनी, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, न्यूज भी क्या है, आगे क्या रहेगा इसका टारगेट। चलो देखते हैं, मैं जीरो के चार्ट पे हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 1 ईयर का चार्ट मैं देखता हूँ। 1 ईयर में गया था ये, देखिए हाई 933, यहाँ से गिरा है आपका 391 आसपास ही गिरा है, ठीक है 900 से। देखिए ये कब गया था, 31st 5, मतलब आपका जून में गया था, जून जुलाई में, देखिए कितना गया था, चला गया, मतलब आपका डायरेक्टली यहाँ से जंप किया था 445 से 900, और यहाँ से फिर धीरे धीरे देखिए इसमें गिरावट स्टार्ट हो गया। और इसका जो बेस लेवल है देखिए ये वाला, यहाँ पे ये अभी मतलब अगर और गिरेगा तो यहाँ तक गिर सकता है 364, नहीं तो ये यहाँ से अब आपको वापस बैक करने वाला, क्योंकि ये पोजीशन देखिए इसमें तेज़ी देखने को मिला, ये पोजीशन, ठीक है यहाँ पे भी देखिए ये पोजीशन अभी सेम 442 438, यहाँ ये पोजीशन है, ठीक है ना 445 43, ये यहाँ से अब ये बैक कर रहा है, ठीक है। और ये बैक करता है तो पहले टारगेट 528, उसके बाद जाएगा 600, फिर जाएगा 650 और 670 आसपास, ठीक है, उसके बाद 750 और आपका जाएगा 600 और 550 आपको देखने को मिल सकता है इसका 3 टारगेट, ठीक है। और ये ब्रेक तोड़ता है तो आपको डायरेक्ट ले जाएगा आपका जो पिछला सेकंड है था 784 और उसके बाद 930 आसपास आपको लेकर जा सकता है। इसका 5 ईयर का डाटा देखते हैं हम लोग, कितना ये गया था, देखिए 5 ईयर्स में डाटा दिखा रहा है, सबसे हाई गया था ये पोजीशन देखिए वाला 1688, यहाँ से शेयर में गिरावट स्टार्ट हो गया। और ये 5 ईयर्स में देखिए 140 का सबसे लोएस्ट कंपनी मारा था, ठीक है ना, ये वाला 144, यहाँ से देखिए इसमें धीरे धीरे ग्रोथ होने को देखने को मिला। और ये 2021 जून जुलाई में ये आपको एक बार तेज़ी देखने को मिला डायरेक्ट 933, यहाँ से फिर इसमें गिरावट हो गया स्टार्ट। और देखिए यहाँ से फिर अभी देखिए ये पोजीशन देखिए, यहाँ से भी इसमें तेज़ी आने की कोशिश ये कर रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ से ये आपको तेज़ी देखने को मिल रहा है ये पे, यहाँ पे 1 मिनट देखिए, ठीक है ना, देखिए अभी ये यहाँ से गिरा है, देखिए ये बार ये टच करके ये क्रॉस तोड़ दिया, फिर देखिए यहाँ से अभी इसमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। और ये नेक्स्ट टारगेट 545, ये अगर तोड़ता है तो ये ऊपर की ओर भागेगा 730, ठीक है, उसके बाद 900 आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी वेट करो, ये 536 अभी तोड़ेगा तो, और इसमें तोड़ेगा तो इसमें बाय करना, ठीक है, ये बाय करके आपको ये 900 700 आसपास ले जा सकता है। और ये आपको अभी आपका जो टारगेट पॉइंट है अभी है 536, ठीक है, अभी 450 जा रहा है, अभी 536 तक वेट करो। और अभी खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, क्योंकि अभी 530 में आपको बेचना पड़ेगा, ठीक है, और ये तोड़ेगा तो आपको ये 750 आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स चलो रखता हूँ, बाय, हम लोग मिलते हैं इसका। और चलो इसका न्यूज में छोड़ दिया, चलो न्यूज भी देखते हैं इसका आज कितना ट्रेडिंग हुआ है। चलो देखते हैं फ्रेंड्स, मैं NSE के साइड पे हूँ देखिए अभी, और ये NSE के साइड पर देखिए पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड 436 क्लोजिंग दिया है, 39.0 में तेजी देखने को मिला 9.82%, और 10% आसपास ये आज देखने को मिला है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपीज़, ट्रेड वॉल्यूम देखिए 20,03,934, वैल्यू निकल के आ रहा है 8,936, फ्री फ्लोट मार्केट कैप है 2,587, और इसका 52 एक हाई है 925, लो है 349। यहाँ पे डिलीवरी क्वांटिटी देखिए 450,734 है,
और 22.49% आपका डिलीवरी में आज उठाया गया है माल। मैं मॉर्निंग कंट्रोल के साइड पे हूँ, मॉर्निंग कंट्रोल के साइड पे देखिए 400 आसपास ओपन हुआ था, ये चला गया 470, ठीक है, और ये फिर गिर के 436 पे क्लोजिंग दिया, 39 रुपीज़ 23 और 9.82%। ये मॉर्निंग कंट्रोल के साइड पे दिखा रहे हैं। डे लो, दो डे का लो है, 52 एक लो है, देखिए 349.52 लो है, हाई है 925, और डे का है 467 और लो है 400। यहाँ पे देखिए R1 R2 R3 यहाँ पे दिखा रहा है सपोर्ट जोन, दो 405 413 424, ये यहाँ पे दिखा रहा है S1 दिखा रहा है 386, ये 375 और 367 यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे बाय का देखिए 62% बाय हुआ है, 31% सेल है, 7% होल्ड इसमें है। July 19 पे देखिए, July 2018 में देखिए 6 रुपीज़, ये 9 रुपीज़, फिर ये 9 रुपीज़ दिया है डिविडेंड। इसका क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छा खासा प्रॉफिट दे रहा है कंपनी। ये December 2021 लास्ट क्वार्टर देखिए, Q3 1495 हुआ है सेल, और 1188 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था, और पिछला सितंबर में आया था 1583 सेल हुआ है और 235 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया था, फिर 243 करोड़ नेट प्रॉफिट आया था, 1691 सेल हुआ था जून में। यहाँ पे देखिए March 2021 में 1831 का सेल और 127 का नेट प्रॉफिट, ये 232 का नेट प्रॉफिट, 1886 का नेट सेल हुआ है। कंपनी का रेवेन्यू नंबर देखिए ज़बरदस्त आ रहा है, 18 से 2021 तक 5488, देखिए 7679, फिर 8000 टच किया, फिर देखिए 7603, ये क्लोजिंग दिया है 2021 में, ठीक है। तो 2022 में देखना कितना आएगा, ये देखते हैं। चलो इसका जो चार्ट है, शेयर होल्डिंग बटन, 24% आपका FIS है, 32% है प्रोमोटर, 40% है पब्लिक है, 2.49% है DIS। यहाँ पे देखिए म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल स्कीम्स, MF स्कीम है इंक्रीज 5 to 6 इन दिसंबर, और बाकी सब डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा न्यूज है कंपनी के लिए। यहाँ पे कंपनी के बारे में वो बोल रहा है, PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड PNBHFL इज द रजिस्टर्ड हाउसिंग फाइनेंस कंपनी विद द नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। दे प्रोवाइड द हाउसिंग लोन टू इंडिविजुअल एंड द कॉर्पोरेट बॉडीज फॉर कंस्ट्रक्शन परचेज रिपेयर एंड द अपग्रेडेशन ऑफ द हाउसेस। इट ऑल्सो प्रोवाइड लोन फॉर कमर्शियल स्पेस लोन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड लोन फॉर प्रपोज ऑफ द रेसिडेंटल प्लॉट। तो फ्रेंड्स देख लिए कंपनी के बारे में, जान लिए, तो इसका शेयर भी होल्ड करके आप रख सकते हो। तो फ्रेंड्स चल रखता हूँ, बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट शेयर पे बारे में जानते हैं। तो